नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी आपको कैसे करनी है, किसका पेड बैच ले या ना ले। पहली बात तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि हम कोई भी पेड बैच लेने के पक्ष में नहीं है कि आप किसी का पेड बैच लो ना, हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं। वो तो बहुत से मैसेज आ रहे थे कि किसका पेड बैच ले, किसका पेड बैच ले, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा लगता है कि अगर हमने पेड बैच ले लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी से होगा, वो भी आपको बताऊंगा कहाँ से कैसे सेल्फ स्टडी आपको करनी है। इसके साथ ही जिसको कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई किसका पेड बैच ले, वो हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बीपीएससी ट्री 1, 2, 3 जो वो आपका कैंसिल होता है और री एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे सोल्ड पेपर आपको एक साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका 1 से 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th कुछ भी हो, हर एक चीज़ के। इसके साथ ही साथ सारे सारे बेस्ट नोट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बीपीएससी ट्री 4.0 की। पद की कुल बात करें तो पद आपके 160,000 है, ठीक है। अब बात आते हैं क्या ये रियल में इतने पद निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो 100% ये जरूर निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और यूपी बिहार में चुनाव के दौरान तो वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो बिहार में तो पक्का निकलेंगे 100%, ये आपके 160,000 पद के करीब निकलेंगे। आगे बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे आपके, सितंबर से आपके फॉर्म देखने को मिलेंगे। और ये ज़्यादा टाइम नहीं देते आपको, पहले पता है बीपीएससी ने जो ट्री 3.0 या 1.0 2.0 परीक्षा करवाई है, एक महीने के अंदर करवा लिया। बस ये 3.0 जो थी पेपर लीक की वजह से थोड़ा आगे टाइम बढ़ गया था इसका, ठीक है। लेकिन अब ऐसे कोई केस नहीं होगा कि पेपर लीक हो, तो फार्म आपके सितंबर में 100% शुरू हो जाएंगे। और ये मानो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका ले लेंगे, क्योंकि ये रुके हुए सिर्फ इसके ट्री 3.0 के रिजल्ट की वेट में, जो अगस्त के पहले सप्ताह में या फिर मिड वे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ये देखेंगे कितने टीचरों को मतलब नियुक्ति मिल चुकी है, 1.0 से कितनी बची थी सीटें, 2.0 से कितनी सीटें बची थी, और 3.0 से कितनी सीटें बचेगी। बहुत से ऐसे हैं जो फेक डॉक्यूमेंट बनाकर वहाँ पर लगे हुए थे, तो उनके बाहर निकाल लें, वहाँ चित्र पर दिखा लेंगे, उन सबको 4.0 में जोड़ दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा था शिक्षा मंत्री ने कि 160,000 के करीब आपके पद जाएंगे, वो फॉर्म आपके सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम पेड बैच की, कि किसका पेड बैच लें और क्यों लें। तो बात करें पहले 1 से 5th क्लास के लिए, यानी पीआरटी के लिए। तो पीआरटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, पहली बात तो ये कहूँगा आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से तैयारी करिए, लेकिन फिर भी आप पेड बैच लेना चाहते हो किसके लिए, पाथ के लिए, ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनको सिलेबस नहीं पता, वे ज़्यादा सब्जेक्ट कोर नहीं कर पाते। तो बताता हूँ, पहले आप देखिए अफी ऑफिसर अकेडमी, द ऑफिसर अकेडमी बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप पीआरटी के लिए लेना चाहते हो तो ऑफिसर अकेडमी का ले सकते हो। फिर बात करें दूसरा सचिन अकेडमी, फिर तीसरी बात है टारगेट विद अंकित। इनमें से आप किसी का ले लो, सब अपने आप में बेस्ट है। अगर पीआरटी की वैसे बात करूँ मैं तो इन दो में से किस किस में, सचिन अकेडमी और ऑफिसर अकेडमी, इनमें से आप किसी का भी ले लीजिए, दोनों ही अच्छे हैं। आप कहोगे कि आपने कन्फ्यूज कर दिया किसका ले, इनमें से कोई सब ले लो जो आपको अच्छा लगे, डेमो देखे आप पहले, ठीक है। तो मैंने तो आपकी थोड़ी क्लियरिटी किया है कि इन दो से अलग आप किसी का भी अड्डा 24/7 करियर विल किसी का मत लेना भाई, पैसे वेस्ट जाएंगे आपके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर अकेडमी और सचिन अकेडमी अगर आप लेना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि इसके बैच लेने से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, बस आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपना रास्ता देखना आगे। तो आगे बात है 6 से 8 के लिए, कि जूनियर में कैसे आपको तैयारी करनी है, किसका पेड बैच ले सकते हो। तो जूनियर में पहले हम बात करते हैं एसएसटी की, ठीक है। एसएसटी में आपको सिर्फ और सिर्फ द ऑफिसर अकेडमी, कहीं और आपको भटकना नहीं है, एक ही जगह ध्यान रखना है। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो तो ऑफिसर अकेडमी का ही पेड बैच आपको लेना है, कोई से चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। कभी अड्डा 24/7 का लेकर बैठ जाओ, वे लोग कॉल भी नहीं उठाते, ठीक, सबसे बेकार है उनका, कल बता रहे हैं देखो श्रीराम भाई, ठीक। आगे बात करें मैथ और साइंस की, तो मैथ और साइंस में बात करें हम, एक है आपका प्लेटफॉर्म टीचर्स, ये हमारे नवीन कुमार सिंह का है। मैथ और साइंस सबसे बेस्ट, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म टीचर से ही करना, मैथ और साइंस वाले जूनियर वाले, ठीक। इनका जो मैथ सर करवाएंगे सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वही लेवल देखने को मिलेगा, इनको हर कोई जानता है, प्लेटफॉर्म के नाम से बुक भी आती है, रुकमणी के नाम से सब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो प्लेटफॉर्म टीचर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, डेमो देखिए अच्छे से, एक नंबर टीचर है, बहुत अच्छा करवाते हैं। आगे बात करते हैं टारगेट विद अंकित, तो टारगेट विद अंकित में भी कम प्राइस में आपको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं लोग, ठीक है। दोनों में बात करूँ तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, प्लेटफॉर्म टीचर ले लेना है, इनके थोड़े महंगे हैं भाई कोर्स के प्राइस, ठीक है, और इनके जो कोर्स के प्राइस है सस्ते हैं। अगर कोई कम अफोर्डेबल फीस में, बस ये है कि मुझे सिर्फ गाइडेंस चाहिए, मैं सेल्फ खुद से कर लूँगा सारी चीज़ें, तो आप टारगेट अंकित ले लेना, पूरी तरह से डिपेंड होना चाहता है कि नहीं मैं तो सारे इनसे ही करूँगा, वो प्लेटफॉर्म टीचर ले लेना, ठीक है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। आगे बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए 3-4 ऑप्शन आपको बताएंगे, ये बताएंगे कौन से में बेस्ट है। तो पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म टीचर से, जो हमारे नवीन कुमार सिंह का है, ठीक है, ये आपको सबसे बेस्ट है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, सब्जेक्ट स्पेशल के लिए, कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है पीजीटी के लिए या टीजीटी आपकी तैयारी करनी है, तो आपको प्लेटफॉर्म टीचर्स में नवीन कुमार सिंह है,
इनका यूट्यूब चैनल है, इनका ये ऐप है, यहाँ पर आपको कम से कम प्राइस में अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। आगे बात करें तो दूसरा आपको द ऑफिसर अकेडमी, इनसे भी आप ले सकते हो टीएचडी पीएचडी कोर्स। आगे बात करें धनवंतरा, अगर इनसे लगा आप कहीं भी टीएचडी पीएचडी का कोर्स लेते हो तो आप अपने पैसे वेस्ट ही करोगे। अगर लेना चाहते हो तो बताया मैंने, ये नहीं कहा कि आप 100% इनका ही लो। अगर आपने किसी का ले रखा है तो उससे पढ़ते रहो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, फिर तो वही बैच था आपके जो आपने ले लिया। ऐसे नहीं आपने कहीं बैच ले लिया और ये वीडियो देखकर भी कोई और बैच ले लो, आप बैच इकट्ठे करते रह जाओगे, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन आपके अपनी मेहनत से ही होगा, बस ये तो यह है कि गाइडेंस मिल जाती है, हमें थोड़ा रूटीन मिल जाता है पढ़ने का, अगर बैच ले लेते हम तो। इनमें से आप धनवंतरा, ऑफिसर अकेडमी और प्लेटफॉर्म टीचर में से किसी का भी ले सकते हो, सब अपने आप में बेस्ट हैं। अगर बताऊँ तो मैं इन दोनों में से एक का ले लेना, प्लेटफॉर्म टीचर्स में थे या ऑफिसर अकेडमी से, इनमें प्लेटफॉर्म टीचर ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, बात करें कुछ सब्जेक्ट स्पेशल की, जैसे खान सर के ऐप है, ठीक है, KGS टीचिंग एग्जाम के नाम से, खान सर एजुकेशन रिसर्च के नाम से, तो टीचिंग एग्जाम के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, खान सर का, तो वहाँ से आप देख लेना। उन्होंने सब सब्जेक्टों की स्पेशल तो नहीं दिए बैच, लेकिन कुछ के दिए हैं EGT के लिए, सबके लिए नहीं है, लेकिन आप देख लेना किस किस के उन्होंने दिए, तो इनके भी बेस्ट हैं। ठीक, तो उन्होंने बता दिया किसका पेड बैच ले सकते हो, और कुल मिलाकर बता दो आपको पेड बैच की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ कमेंट आ रहे थे बार बार किसका पेड बैच ले, कहाँ से करे, कैसे करे, तो पेड बैच की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं है। जो ये लोग अभी 3.0 का पेपर दिखा कर, ठीक है, अपने कोई क्लास दिखा कर कि देखो हमारे इसमें से पेपर आया, हमारे इसमें से पेपर आया, ये बताता हूँ आपको पेपर कहाँ से आया है। ये पेपर आपका पूरा आया C4C NCERT से भाई, मेरे NCERT से। ठीक है, ये लोग अपने इसमें बहुत ही एडवांस चीज़ें करवाते रहते हैं, जूनियर का पेपर TCT PhD का पढ़ाते रहेंगे, इतनी इतनी क्लास से करवा देंगे आप पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा बेकार सिस्टम है। आप बताओ अगर PRT का कोई बच्चा बैच ले लेता है, इतनी सारी वीडियो दे देंगे उसको, आप देख भी नहीं सकते एक दिन में कितनी वीडियो देख लोगे। चलो देख भी लिया आपने, एक दिन क्लास से कर ली, तो आप उसको रिवाइज कैसे करोगे, नोट्स कैसे बनाओगे। ठीक, तो इससे अच्छा है आप सेल्फ स्टडी करो। और आप फ्री से थोड़ा देखना चाहते हो, बता देते हो फ्री कंटेंट आपको, टारगेट विद अंकित, इनका तथागत बैच है, इस पर पूरा कंटेंट फ्री पड़ा आपका इन सभी के लिए। ठीक है, सभी के सभी जो आपके टीचिंग एग्जाम की होगा ना 3.0 में वैकेंसी निकलेगी, इन सभी के लिए आपका टारगेट अंकित आगे तथागत बैच है, पूरा फ्री है, जिसका बेसिक खत्म है बिल्कुल। देखो ऐसे तो कोई भी नहीं इसका बेसिक खत्म हो बिल्कुल, क्योंकि भाई सब CTET पास करके आई, यार पहले कहीं तैयारी कर ही रही होंगे एग्जाम की, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहा था उसका तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है भाई। ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और एक अभी तो टाइम है थोड़ा सा, अभी आप क्या करिए सेल्फ स्टडी करिए बस, सिर्फ और सिर्फ बता देता हूँ सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करना है, NCERT को। जब आप NCERT फॉलो कर लेंगे ना, ये मानो SCERT तो आपकी खुद ही करा देगी, थोड़े बहुत टॉपिक आपके बचेंगे। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, किसी पेड बैच के चक्कर में मत पड़ो, ना ऑफिसर अकेडमी, ना सचिन अकेडमी, ना आपका ये प्लेटफॉर्म टीचर, किसी के चक्कर में मत पड़ो, करियर अध्ययन मंत्र कोई मत लो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है और उन्हीं का आगे भी होगा जो सेल्फ स्टडी करेंगे और NCERT को फॉलो करेंगे। एक एक क्वेश्चन NCERT से पूछा गया, सेम टू सेम डिट टू एग्जाम्पल लू के नहीं, जो क्वेश्चन पीछे देख रखते हैं ना NCERT बुक में 9th, 10th, 6th से 10th तक। ठीक, आपको बता दूँ कहाँ तक पढ़ना है NCERT आपको, 6th से 10th क्लास तक पढ़नी है, किनको PRT वाले या फिर जूनियर वाले हैं, अच्छे से तैयार कर लेनी है आपको। ठीक है, ठीक, आगे बात करें फिर जो PGT TCET वाले हैं उनको क्या पढ़ने, उन्हें 6th से लेकर 12th तक ही पढ़नी है भाई आपकी, NCERT फॉलो करनी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक, NCERT बिना कुछ भी नहीं है, तो NCERT पढ़ लोगे, SCERT होते हैं बिहार बोर्ड की, जो स्टेट बोर्ड की बुकें होती है उनको बोलते हैं NCERT। ठीक है, और आपको बता दूँ अगर आपके पास नोट्स नहीं है मान लो, ठीक, तो अगर आप बुक लेना चाहते हो तो सबसे अच्छी राइटर भी बताऊँगा आपको मैं, महेश कुमार वर्णवाल। ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की सभी सब्जेक्ट की बुक आती है, और आप चाहते हो कि मैथ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं, किसी पेड वैसे चक्कर में नहीं पढ़ते, मुश्किल से आपके 400-500-600 रुपये खर्च होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की एक साथ आएगी, बायोलॉजी की अलग आएगी, उनको पढ़ते रहिए बार 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 बार। ठीक है, और मैथ प्रैक्टिस करते रहिए खुद से, ये इनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो महेश कुमार वर्णवाल की बुक से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, उससे ऐसा कुछ नहीं। अगर आप NCERT में थोड़ा कन्फ्यूजन होते हो तो मैंने आपको बताया टारगेटेड अंकित है, इनमें क्या इन्होंने ऑल सब्जेक्ट की NCERT करवाई है सभी की, जैसे 6th है 6th NCERT ज्योग्राफी पूरी करवा दी, 6th NCERT ज्योग्राफी पूरी करवा दी, 8th की NCERT ज्योग्राफी पूरी करवा दी, 9th की 10th की, ऐसे सबकी करवा रखी है उन्होंने, प्ले लिस्ट बना रखी है पूरी। तो बताऊँ सही बताऊँ आपको, आपको कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत है ही नहीं है, इन्होंने मैराथन इतनी करवा रखी है, और पूरे मतलब 6th क्लास की एक क्लास में, 7th की 1 में, 8th की 1 में, अलग 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 कहीं जाने जरूरत ही नहीं आपको। फिर भी लोगों को कुछ चुन रहे थे कि नहीं हम तो पेड बैच लेंगे, तो पेड बैच ले लो भाई, ये पढ़े थे खर्च करो अपने पैसे, जब सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री पड़ा है, इतनी मैराथन पड़ी है, आप बताओ 1.0, 2.0, 3.0 री एग्जाम भी है, उन सब ने इनकी मैराथन क्लास ली थी, सारा कंटेंट पढ़ाया था, वही कंटेंट फिर पेड बैच से पढ़ाएंगे,
तो भाई वही है बस, अगर आप मैराथन देख लेते हो, ये एनसीईआरटी की सर्किट आर्यूट अंकित चैनल है जो इनकी मैराथन देख लेते हो एनसीईआरटी वाली, और फिर एनसीईआरटी बुक से खुद पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सारी एनसीईआरटी हमने पहले भी डाल रखी है, एक बार फिर दोबारा आपको लिंक डाल देंगे उसका, सारी सिक्स से लेकर ट्वेल्थ हमने पूरी एनसीईआरटी डाल दी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कोई भी हमें कहीं से भी नोट्स मिलता है जैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छे से, हम उसको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी, थोड़ी सी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।